नमस्कार, मैं शिवम हूँ, आप जेएसडी न्यूज देख रहे हैं। हम अभी इनकम टैक्स गोलमबर के पास हैं। अभी जांच अभियान चलाई जा रही है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो जांच कर रही है और ये जांच अभियान एक सप्ताह तक चलेगी। जैसा कि जानकारी मिल रहा है, यहाँ पर कई गाड़ियों को पकड़ा गया है, इसमें बहुत सारे जो है समस्याएं हैं। उनका कहना है कि किसी ने हेलमेट नहीं पहना, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए गाड़ी चलाने के लिए वो नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। ये पुलिस सप्ताह का अभियान है, जांच कर रही है। हमारे सामने है दो गाड़ी, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जांच चालान काटा जा रहा है, जो भी प्रॉब्लम है यानी अगर इनके पास हेलमेट नहीं है उसका भी चालान कटेगा, या फिर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है गाड़ी के उसका भी चालान कटेगा। हम आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं उस तरफ की। चारों तरफ जो है इस तरह का पहरा बिछा दिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, चालान देना पड़ जाए। और यहाँ पर तस्वीर है, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ, रशीद का भी हम यहाँ पर चालान आपको काटते हुए दिखा रहे हैं, चालान कट रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस चीज़ का भैया चालान कट रहा है, किस चीज़ का चालान कट रहा है? पीछे वाले हेलमेट मिल जाएगा। सरकार का रंगदारी टैक्स है, ये चालान नहीं है। चूंकि विधि व्यवस्था तो नीतीश जी से सुधर नहीं रहा है, तो किसी तरह जनता को ना मरोड़ के तेल निकाल रहे हैं, चाहे पेट्रोल हो चाहे GST हो। जनता को जब तक मरोड़ के तेल नहीं निकालेंगे तब तक ये शांत से बैठेंगे नहीं, लंबी सरकार नहीं चलने वाली है। ये नहीं चलने वाली है। ये आपका जो अभी चालान कटा है वो पीछे हेलमेट नहीं लगाए, पीछे हेलमेट नहीं लगाने के कारण ही चालान कटा है। लेकिन सिर्फ मेरा नहीं है, पुलिस वाले से लेके मीडिया से लेके और खुद इनके मंत्री अधिकारी संतरी सारे के सारे नहीं लगाते हैं। किस बात का ये चालान काटते हैं? केवल गरीब जनता को 1000 रुपया ये दे रहे हैं, इससे बढ़िया तो यहाँ पे एक हेलमेट का दुकान लगा देते और हम लोग अवेयर करते कि बॉस आप हेलमेट नहीं लगाए हैं, ये 200 रुपये का हेलमेट लीजिए और आगे से बिना हेलमेट के मत चलिएगा। ये नींद से सो के उठते हैं और उसके बाद यही तमाशा करते हैं। ये क्या हुआ, इतना खास इतना तेज क्यों हो गया ये जांच अभियान? ये तो सरकारी आदेश है कि सुरक्षित लोग चलें, इसमें सुरक्षा छिपा हुआ है कि लोग हेलमेट चला के चलें तो सुरक्षित चलें, जिससे कभी अगर भविष्य में किसी तरह का एक्सीडेंट होता है तो उनका शरीर स्वस्थ रहे। सरकार का सोच ये है। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, आप देखते रहिए DSD News।